हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनके मन में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको लेके। सो वीवर्स, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। तो किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें और जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, यस, वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल, ओके, फर्स्ट कार्ड आता है क्रिएशन का, क्वेस्ट, वी हैव कंप्लेंसी एंड द रिलीज। बॉटम से आता है रिजेक्शन। मैं वीवर सबसे पहले ना यहाँ पे एक एनर्जी को पिकअप कर पा रही हूँ, अभी हम और भी एनर्जी देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे फियर है रिजेक्शन का। मे बी ये समवेयर पेरेंट्स की साइड से हो सकता है, ठीक है, या तो ये रिजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, या डर है ये कनेक्शन जो इन्होंने, आप दोनों ने मिलके बनाया है ना, ये इसको स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मे बी समवेयर आपको भी हो सकता है डर ये, ठीक है, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को या शादी को जो भी है एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स मुझे ये मैसेज मिला, जिन लोगों से भी रेजोनेट होता है आप बताइएगा, ठीक है। और भी देखती हूँ मैं यहाँ पे और क्या आ रहा है फीलिंग्स में आपके पर्सन की, और क्या है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस बात को लेके बड़ी चिंता में है, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, ठीक है, कहीं ये रिलेशनशिप एंड ना हो जाए, कहीं वो आपके बिना जीना उनको ना पड़े, ठीक है। ये डर है उनके मन का, सबसे पहले तो मुझे डर नज़र आया यहाँ पे। ऑलरेडी हो सकता है मना कर दिया हो घर वालों ने, अब आपके पर्सन को लग रहा है कि वो क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, फीलिंग में, मेरे व्यूअर्स को लेके फीलिंग्स में, यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। पेज ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, स्ट्रेंथ एंड द टावर, यस। इस टावर को कैसे डील करें व्यूअर्स? आपके कनेक्शन मुझे यहाँ पर टावर नज़र आता है, टावर हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं जैसा सोचा था वैसा आउटकम नहीं निकला है, ठीक है। तो मे बी ये किसी की तरफ से हो, लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स इस रिश्ते को ना स्वीकृति नहीं मिली आपके रिश्ते को, आपका रिश्ता व्यूअर्स एक सिरे से जैसे खारिज कर दिया गया है, ठीक है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। और आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे फिर से वो एक हिम्मत को यहाँ पे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो फिर से कुछ कर सके, फिर से आगे बढ़ सके, ठीक है। मैं इस पर्सन की व्यूअर्स जो एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ ना आपके रिलेशनशिप को लेके, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार मैं इस रिश्ते को ऐसे कैसे जानने दूँ अपने हाथ से, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है, मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बिना जीना हो पाएगा, ठीक है, या तुम्हारा बिना कभी जीना पड़ेगा। मैंने तो बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत मनाने की, समझाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, ठीक है, अपने जितने एफर्ट्स लगा सकते थे मैंने लगाया यार, लेकिन अब बहुत कुछ करने के बाद में भी मतलब कुछ हो नहीं पा रहा। देख रहे हो इस पर्सन को, अगर मैं देखूं यहाँ पे ये कार्ड्स अगर आप देखेंगे, दोनों हाथों से इंसान लगा पड़ा है, काम में लगा पड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे ये जो टावर है ये इसको रोक नहीं पाया, ठीक है, इसको होने से रोक नहीं पाया ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो हिम्मत तो लॉस हो रही है यहाँ पे, एक उम्मीद टूट तो रही है यहाँ पे, नो डाउट कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जैसे ये कह रहे हैं कि यार अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम्हारे बिना जीने का कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, अब क्या होगा। ये पर्सन व्यूअर्स इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। राशि लियो यहाँ पे बहुत मेजर है, ठीक है, यानी सिंह राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, मेष सिंह धनु राशि की एनर्जी है, ठीक है।
और देखते हैं क्या है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, फोर ऑफ कॉइन, पेज ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वैंड्स। एफर्ट्स लगाएंगे व्यूवर्स, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हें लेके मेरे बहुत सारे मैंने अपने सपने सजा रखे हैं, तुम्हें लेके मैंने बहुत कुछ सोच रखा है और अभी भी मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। मतलब अभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं अभी भी डटा हुआ हूँ। एक बार रिजेक्शन मिल गया तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन हमारे प्यार की जीत होके रहेगी, हमारे रिलेशनशिप की जीत होके रहेगी। हम उनको फिर से कोशिश करेंगे मनाने की, समझाने की, ठीक है। हाँ, अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, चारों तरफ से हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी डोंट लूज़ होप, उम्मीद को मत छोड़ो, उम्मीद के साथ में जुड़े रहो, ठीक है। ये व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स, ये जो भी पर्सन है, अगर आपका यहाँ पे कोई फैमिली इशूज़ हो सकता है या फिर रिलीजियस इशूज़ हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, सोसाइटी इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो भाई, उसकी कोई ना कोई मजबूरी तो ज़रूर है। तो इसी वजह से नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन प्यार को अभी अपने बचाने की जो इस पर्सन की उम्मीद है ना, वो यहाँ पे टूट तो बहुत रही है। ये आपको, मैं भी ये आपसे मोटिवेशन मांग रही हूँ, आप इन्हें मोटिवेट करो, लेकिन आप भी हो सकता है डबल डिप्रेशन में हो यहाँ पे। कुछ मुझे ऐसी हैवी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आप भी डिप्रेशन में जा रहे हो, क्या होगा। तो यहाँ पर आपको उनकी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन व्यूवर्स आपको खोके बहुत पागल से हो गए हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। रिलीज़ रिलीज़ नहीं कर सकते आपको, ऐसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, ठीक है। बहुत क्राई एनर्जी है, जैसे कि जैसे होता है ना, बारिश में भी इंसान रो रहा होता है तो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। ये एनर्जी गाइस वो लोग ही फील कर सकते हैं समवेयर, जो कभी बारिश में रोए हैं, ठीक है। लेकिन रोने का ही मकसद ये था शायद लोग इनके आंसुओं को ना देख पाए या अपने आंसुओं को छुपा लें, लेकिन वो दर्द कोई नहीं छुपा सकता। तो ये पर्सन व्यूवर्स आपको आपको खो के खुश नहीं है, या फिर आपको आपसे दूर होके खुश नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन व्यूवर्स चाहे अपना दर्द कितना ही छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन दर्द तो दर्द है ना, आँखों से छलक ही जाता है। क्योंकि मैं इस पर्सन को आज रोता हुआ देख रही हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बस बहुत बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि अब क्या होगा। बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा है, खोने का तो इस पर्सन को इतना डर है व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आपने मैं भी आप आपकी हो सकता है इस पर्सन से बात हो रही हो, कुछ लोगों की बात अगर हो रही है तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर जिन लोगों की बात नहीं हो रही व्यूवर्स, मतलब हो सकता है कि फैमिली ने इनको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है जैसे इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। कोई हो सकता है इनके ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं, या फिर इनका फ़ोन वगैरह है वो यहाँ पे वॉच आउट हो रहा है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स मैं ये कहूँगी, ये पर्सन आपसे आपसे दूर तो खुश नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे ट्रू फीलिंग बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर भी क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है इनके पार्टनर की। एस ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ कॉइन एंड नाइन ऑफ सॉर्ड। एनर्जी गाइज मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है समवेयर। ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं सिर्फ एक उम्मीद को तलाश रही है आपके लिए, ठीक है। एक तरह से मैं इस पर्सन की तरफ देख रही हूँ, सिर्फ एक मौका मिल जाए इस पर्सन को, उस एक मौके से ये व्यूवर्स अपने पूरे ख्वाब सजा लेंगे आपके पर्सन, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है अभी, अभी तो नहीं है, ठीक है। अभी ये पर्सन व्यूवर्स बहुत बहुत परेशान है आपके आपके बिना, आपके आपसे दूर होके दिल टूट गया है इस पर्सन का। दिल टूटा नहीं है, दिल में घाव है यहाँ पे, मैं इस दिल को टूटा हुआ नहीं देख रही हूँ। दिल तो टूटता तब है जो इंसान फिर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो घाव हो गए, जैसे कि उम्मीदों को कुचल देना, ठीक है, इच्छाएं पूरी ना होना, डिफ़िकल्टीज आ जाना, एक ऐसा पेन जिसको एक्सेप्ट ना करना, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन में है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस सिचुएशन को, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है इस पर्सन को कि इन्होंने जो सोचा था वो पूरा नहीं हो सकता, वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है, ठीक है।
इनके ख्वाब टूटे हैं यहाँ पे व्यूअर्स, आप इनका ख्वाब हो, आप इनका इनका वो ख्वाब हो जिसके साथ में इन्होंने बहुत सारे ख्वाब सजा लिए थे, मल्टीप्लाई कर लिए थे, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस पर्सन के व्यूअर्स, आपसे मुझे नज़र आ रहा है उम्मीदें बहुत है जुड़ी हुई, फीलिंग्स बहुत है जुड़ी हुई, और ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त ऐसे हो गए हैं जैसे कि एक एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से इस पर्सन के हाथ से सब कुछ छीन लिया गया है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो ना क्या एनर्जी है, क्या करें यार, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, कोई तो रास्ता नज़र आए, ठीक है। तो ये मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, मैं इस एनर्जी को लेके मैं भी थोड़ा सा डाउन सा फील कर रही हूँ, लेकिन इस पर्सन की रिवर्स एनर्जी आपके लिए मुझे डाउन ही मिल रही है, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये लेट नाइट रीडिंग थी आपके लिए, मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज और ले लेती हूँ आपके लिए, ओके। सो मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज आपके पर्सन क्या देते हैं। सो मैं तो आपको व्यूअर्स ये बोलूँगी, ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, हमने कोई आउटकम नहीं देखा है, ठीक है, हमने फीलिंग्स देख रहे थे हम लेट नाइट थॉट में। अगर आपको आउटकम देखना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको लेके एक रीडिंग बना दूंगी, लेकिन ये आउटकम नहीं है, ये कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं आ गया है आपके रिलेशनशिप का, ये कंप्लीट एंड नहीं है, ये जस्ट एक झटका है जो आपको झेलना पड़ रहा है यहाँ पर अपनी लाइफ में, ठीक है। मे बी हो सकता है आप इसके लिए प्रिपेयर ना हो, या फिर आपने कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पे सोचा नहीं होगा कि बात इतने बड़े लेवल पे जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, लेवल बड़ा ज़रूर हो गया, आपकी इमेजिनेशन से बड़ा हो गया लेवल, क्योंकि इस पर्सन ने व्यूअर्स अगर हम देखें ना, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई थी विद सेवन ऑफ कप्स के साथ में, तो दिखाती है कि इमेजिनेशन से बड़ा दर्द हो गया, इतना दर्द सोचा नहीं था कि ऐसे भी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्यूअर्स, यह रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील करें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, मैं आपको यही कहूँगी, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग व्यूअर्स सिर्फ हमने करंट एनर्जी को लेके देखी है, यहाँ पे फ्यूचर हमने प्रिडिक्ट नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। सो व्यूअर्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ओके, सुबह, टेक केयर।